दोबारा एंड्रॉइड की तरफ आ गया। और ये वो आईफोन की है, तो आईफोन में बहुत आता है, आप परचेज नहीं कर रहे उसकी वजह से इसकी सेल में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा आईफोन की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू एजेफ टेक। भाई सब लोग कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त मैं अपनी सेंटर पे हूँ और बैक साइड पे आपको नज़र भी आ रहा होगा। चंद दिन पहले मैंने गूगल पे एक न्यूज़ पढ़ी और वो न्यूज़ ये थी कि लोग बहुत ज़्यादा जो है वो एंड्रॉयड को छोड़कर आईफोन पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि भी अगर लोग ऐसा कर रहे हैं तो दुकानों पर भी ये सिस्टम होना चाहिए, दुकानदारों को भी ये चीज़ पता होनी चाहिए कि भी हमारे जो कस्टमर्स हैं जो हमसे फ़ोन बाय कर रहे हैं वो एंड्रॉयड से टूट कर, एंड्रॉयड को छोड़ कर एंड्रॉयड यूज़र जो है वो आईफोन पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि हम दुकानदारों से जाके जो है वो रिव्यूज़ लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई ये क्या सूरत हाल है। ये वीडियो जो है ये इस मौजू पर होने वाली है, गूगल की खबर पर, देखते हैं कि गूगल की खबर सच्ची है या ये एक फेक न्यूज़ थी या झूठ पे मबनी है। तो इस सिलसिले में हमने जो है वो सोचा कि भाई हम मुख्तलिफ दुकानदारों के जो है उनके रिव्यूज़ लेते हैं, बहुत सारों की हम वीडियोज़ बनाते भी हैं, आप उनको जानते भी हैं, हमारे चैनल पर देख भी चुके हैं। तो आप अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लीजिएगा और ज़्यादा बोर नहीं करते तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा गाइस, अभी हम मौजूद हैं इमरान भाई के पास और इमरान भाई मार्केट के इस लाहौर अफी सेंटर के एक मोहतबर शख्सियत गिने जाते हैं। तो मैंने सोचा कि इमरान भाई को भी ज़रूर इस क्राइटेरिया में लाया जाए और इमरान भाई से भी पूछा जाए। अच्छा इमरान भाई, मुझे ये बताएं कि मार्केट में जो इस वक्त रुझान चल रहा है सेलिंग का, वो किस तरफ ज़्यादा है, आईफोन की तरफ या एंड्रॉयड की तरफ? इस वक्त जो हालात जो है वो एंड्रॉयड की तरफ ज़्यादा बेहतर जा रहा है। एंड्रॉयड की तरफ ज़्यादा बेहतर जा रहा है, आईफोन क्यों ज़्यादा सेल नहीं हो रहा है इस वक्त? एक तो प्राइस बहुत ज़्यादा है उसकी, ठीक है। सेकेंडली पीटीए अप्रूव वाला जो मसला है, 1,40,000 रुपये में अभी रिसेंटली जो इन्होंने प्राइस बढ़ाई है जी, उसकी वजह से इसकी सेल में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। टैक्सेस की वजह से इसकी सेल में गाइस, टैक्सेस ने आईफोन के जो साख को है वो नुकसान पहुंचाया है, उसकी सेलिंग को जो है वो नीचे लेके आए। अच्छा तो एंड्रॉयड में इस वक्त कौन सा मॉडल जो है वो ज्यादा अप जा रहा है? वन प्लस बहुत अच्छा चल रहा है, सैमसंग बहुत अच्छा चल रहा है और मिड रेंज में जो है ओप्पो बहुत अच्छा चल रहा है। ओप्पो, सैमसंग और वन प्लस, यानी कि टॉप पे इस वक्त मार्केट में वन प्लस। अच्छा इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं वन प्लस के, अच्छा वो मैं डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन जब आप इमरान भाई के पास हैं तो इमरान भाई आपको बता देंगे कि वो बेनिफिट्स क्या हैं वन प्लस के, ये क्यों ज़्यादा बिक रहा है, क्यों ज़्यादा ये मार्केट में चल रहा है। तो इमरान भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, बहुत शुक्रिया। अच्छा गाइस, तो इस वक्त हम मौजूद हैं उमर भाई के पास और उमर भाई आप जानते हैं, अच्छे खासे जानते हैं उमर भाई को, अक्सर हमारे चैनल में भी आते रहते हैं और इनकी वीडियोज़ और इनका स्टॉक भी हम आपको दिखाते रहते हैं। तो इस वक्त हम उमर भाई से पूछते हैं कि अभी मार्केट में किस तरफ रुझान ज़्यादा है। अच्छा उमर भाई मुझे बताइए कि अभी मार्केट में जो वॉकिंग कस्टमर है उनका रुझान किस तरफ ज़्यादा है, आईफोन या एंड्रॉयड? सर पर्सनली बताओ तो आईफोन पे बहुत ज़्यादा है, आईफोन पे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। हालांकि उसके टैक्सेस भी ज़्यादा हैं, टैक्सेस भी ज़्यादा है, लेकिन अब कस्टमर वो है उनकी रेंज, इनकी रेंज नहीं होती, फिर वो नॉन पीटी में शिफ्ट हो जाते हैं और एंड्रॉयड लेने से बेहतर फिर वो नॉन पीटी फोन चलाते हैं आईफोन का। भाई यहाँ पे जो रिव्यू हो रहे हैं या जहाँ पे जो बातचीत हो रही है वो बिल्कुल फेयर हो रही है। अचानक ही मैंने उमर भाई से ये सवाल किया है, कोई पहले बता बतू के नहीं किया, ये ना समझिएगा मैंने बताया पहले। उमर भाई जी बहुत शुक्रिया, बस इतना ही पूछना था, बस यही पूछना था। अच्छा गाइस, अभी इस वक्त हम मौजूद हैं सलमान भाई के पास और माशाल्लाह जब आप कभी आपका मन चाहे मार्केट विजिट करने का तो जैसे ही आप मार्केट के अंदर एंटर होंगे तो आपको ये बहुत बड़ा एक पूरा जो है वो गोदाम मिलेगा एप्पल का। तो मैंने सोचा कि इनसे भी पूछें, हालांकि यहाँ पे मिक्स स्टॉक तो नहीं है लेकिन एप्पल की ही सारी डिवाइसेज हैं। ज़रा भाई ज़रा दिखाना, ज़रा थोड़ा सा लुक दिखाना ज़रा एक दफ़ा सारी शॉप का, ये देखिए आपको हर तरफ जो है वो सारे आईफोन ही नज़र आएंगे। अच्छा तो इनसे पूछते हैं, अच्छा सलमान भाई अभी जो रुझान है मार्केट में, क्योंकि आपको पता है टैक्सेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, टैक्सेस बहुत बढ़ गए हैं, तो अभी लोगों का जो रुझान है आईफोन की तरफ ज़्यादा हो गया है या एंड्रॉयड की तरफ? लोगों का रुझान जो है अभी तो जो आईफोन यूज़र है उनका आईफोन की तरफ ही है, लेकिन बेशतर जो है ना वो आप परचेज नहीं कर रहे, जो फ़ोन चला रहे हैं वही यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि टैक्सेस जो है ना काफ़ी इंक्रीज हो गए हैं, टैक्सेस की वजह से कस्टमर फ़ोन नहीं ले रहा और कुछ वैसे भी नए मॉडल्स की वजह से जो है ना वो रुक गया, क्योंकि 16 सितंबर को इसका नया मॉडल लॉन्च हो जाना है 14, कुछ इस वजह से भी जो है ना
कस्टमर स्लोअर, यानी कि अभी जो मार्केट है आईफोन की बेसिकली स्लो चल रही है, अभी स्लो चल रही है, तो ज्यादातर जो आईफोन यूजर्स हैं वो आईफोन चेंज भी नहीं कर रहे और बाय भी नहीं कर रहे, वो जो चला रहे हैं बस वही यूज कर रहे हैं, 14 के चक्कर में, 14 आएगा तो फिर हम नया लेंगे ऐसे। तो यानी कि मेन जो हमारी बात थी वो ये थी कि रुझान जो लोगों का है, हमने दोनों तरह के लोगों को देखा है ना कि रुझान किस तरफ लोगों का ज्यादा है, एंड्रॉइड से टूट के लोग आईफोन पे आ रहे हैं ऐसे ही है भाई। ये बात देखें कि भी जो बात हमने शुरू में आपको वीडियो में कही थी, जो न्यूज थी वो बात की, सलमान भाई भी तस्दीक कर रहे हैं कि लोग जो है वो एंड्रॉइड से टूट कर, यानी कि एंड्रॉइड को छोड़कर आईफोन पे जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया सलमान भाई। अच्छा गाइस, इस वक्त हम रहमान भाई के पास मौजूद हैं और जो क्वेश्चन हम दूसरों से पूछ रहे हैं वही हम रहमान भाई से भी करते हैं और रहमान भाई की भी राय जो है वो लेते हैं, क्योंकि ये भी रिटेलर हैं और काम करते हैं आपको पता है फीस सेंटर में ही, और इनको भी आप हमारे चैनल पे काफी बार देख चुके हैं। अच्छा रहमान भाई, अस्सलाम वालेकुम। रहमान भाई मुझे बताइए कि इस वक्त जो मार्केट में रुझान है कस्टमर्स का, जो भी आप आपकी माशाल्लाह दुकान बिल्कुल गली में आती है सामने पड़ती है, तो जो कस्टमर का रुझान है आईफोन की तरफ ज्यादा है या एंड्रॉइड की तरफ? आईफोन की तरफ ज्यादा है अभी, आईफोन की तरफ ज्यादा जी। अच्छा, हालांकि टैक्सेस भी बढ़ गए हैं उसके बावजूद नॉन पीटीए ले लेते हैं, पीटीए नहीं लेते हैं, कुछ लोग एक्स्ट्रा फोन ले लेते हैं एक सेकंड फोन के तौर पर, फिर उसको आईफोन को यूज करते रहते हैं। सही, लेकिन एक्स्ट्रा फोन रख के, अच्छा ये तो एक सिंपल सा सबको पता तरीकाकार है कि नॉन पीटीए ले लो साथ में एक सादा फोन रख लो, तो यानी कि अभी भी टैक्सेस बढ़ने की भी लोगों को परवाह नहीं है, नहीं परवाह, उसके बावजूद लोग आईफोन की तरफ ही शिफ्ट हो। तो गाइस आपने देखा कि आईफोन ही की तरफ लोग जो है वो ज्यादा उनका रुझान है, इसलिए एक दो रिटेलर्स और उनको और को मिलते हैं और उनसे भी लेते हैं व्यूज के वो क्या कहते हैं। तो भाई इस वक्त हम एक रिटेलर के पास मौजूद हैं, अमार भाई के पास, तो अमार भाई से हम पूछते हैं कि कस्टमर्स का जो रुझान है, क्योंकि अमार भाई के पास दोनों तरह का स्टॉक है, आईफोन भी है और एंड्रॉयड भी है, तो मैंने सोचा कि अमार भाई से पूछते हैं कि अमार भाई इस बारे में क्या कहते हैं। अमार भाई मुझे ये बताएं कि ये कस्टमर है, वर्किंग कस्टमर जो है, उनका रुझान ज्यादा किस तरफ है, आईफोन की तरफ या एंड्रॉइड की तरफ ज्यादा? जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर इस टाइम जो रुझान है ना दोबारा एंड्रॉइड की तरफ आ गया, दोबारा एंड्रॉइड की तरफ आ गया, वो इसलिए आ गया है क्योंकि आईफोन के टैक्स बहुत इंक्रीज हो गए हैं, 135 पे टैक्स चला गया, लोग जो है उनकी फोन से आईफोन अब दूर होता जा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से अब दोबारा लोग एंड्रॉइड पे शिफ्ट हो रहे हैं। भाई अमार भाई ये कह रहे हैं कि टैक्सेस की ज्यादती की वजह से, मैं ज्यादती कहूंगा इसको, हालांकि ये बहुत ज्यादा ही कुछ ज्यादा ही टैक्सेस लगा दिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज्यादती की वजह से आवाम का जो रुझान है वो वापस जो है वो एंड्रॉइड की तरफ आ रहा है। तो एंड्रॉइड में ज्यादा कौन सा ब्रांड जो है वो ज्यादा पॉपुलर हो रहा है इस टाइम? वन प्लस ज्यादा इन है मार्केट में। तो भाई ये भी याद रखिएगा कि वन प्लस इस वक्त ज्यादा इन है मार्केट में। बहुत शुक्रिया अमार भाई। सर बहुत शुक्रिया सर। अच्छा गाइस इस वक्त हम मौजूद हैं इब्रार भाई के पास और इब्रार भाई को भी आप अच्छे से जानते हैं, इब्रार भाई की वीडियो जो है वो हमारे चैनल पे अपलोड होती रहती है, आती रहती है जैसे ही इनके पास स्टॉक आता है, तो इंशाल्लाह स्टॉक इनके पास आ चुके हैं और इनकी वीडियो भी चल जाएगी। तो इस वक्त जो हम पूछने जा रहे हैं इब्रार भाई से वो हम पूछते हैं। अच्छा इब्रार भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इब्रार भाई हमें बताइए कि इस वक्त जो मार्केट में रुझान है लोगों का वो ज्यादातर किस तरफ है, एंड्रॉइड की तरफ या आईफोन की तरफ? सर आजकल तो जो मार्केट चल रही है वो आईफोन की है, आईफोन की चल रही है, नॉन पीटीए हो गया, पीटीए हो गया दोनों, उसके बाद सेकंड ऑप्शन आती है आपकी एंड्रॉइड की, उसमें ऑप्शन है सैमसंग की, वीवो की ऑप्शन है, रियलमी की अदर ऑप्शन है, और फर्स्ट अपॉर्चुनिटी जो है वो एप्पल की। कस्टमर जो है वो अभी भी ज्यादा जो उनका रुझान है वो एप्पल की तरफ पे ही है। एंड्रॉइड, एंड्रॉइड पे बेसिकली कम यूजर है, जो एंड्रॉइड यूजर है वो एप्पल यूजर भी ऑलरेडी, भाई जो एंड्रॉइड यूजर है वो एप्पल यूजर भी ऑलरेडी, इब्रार भाई हमें बता रहे हैं। ठीक है इब्रार भाई, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू गाइस, ये थी हमारी वीडियो आज की, उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सा मेहनत का जरूर फल दे दिया करें आप भी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।